अपना पांचवा प्रोग्राम है रूबरू 23, 24 और 25 अपने बेंशन टाउन में जो खादरिया मॉस्क है उसी में है ना, ईदगाह खुद्दूस साहब में 3 दिन का प्रोग्राम है। जुम्मे की नमाज़ के बाद शुरू होगा इंशाल्लाह शाम को 7 बजे तक। 24-25 को सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक है इस ये प्रोग्राम। किस तरह का प्रोग्राम है, कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं इसमें, क्या प्रोग्राम है ये? इसमें है ना, जितने भी लोग अपने रिश्ते के तलाश में हैं, लड़का है लड़की, वो उनके सरपरस्त के साथ, गार्डियंस के साथ इधर आ सकते हैं 5 फोटोग्राफ्स लेके। इंशाल्लाह सेपरेट अलग 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 जिस काउंटर्स किए गए हैं, इंजीनियर्स के लिए अलग, डॉक्टर्स के लिए अलग, जनरल आम पब्लिक के लिए अलग, और गरीबों के लिए भी अलग है, जैसे फिटर्स, कारपेंटर्स, ड्राइवर्स, उनके लिए कुछ टोटली अलग काउंटर किया गया है। और डाइवर्सिस विडोज जो हो, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हैं आज अपने होम में, उनके लिए एक सेपरेट काउंटर किया गया है। माशाल्लाह तमाम हिंदुस्तान के तमाम मेजर सिटीज़ में इसकी पब्लिसिटी की गई है और सब जगह से ना लोग आने की उम्मीद है। पिछले बार भी तकरीबन 15,000 तक रजिस्ट्रेशन हो पाए हैं। आज तक 4 प्रोग्राम्स हुए हैं जिसमें तकरीबन 5,000 शादियां हो चुके हैं। इंशाल्लाह इसमें भी है ना काफ़ी लोग आने की उम्मीद है, तकरीबन 15-20 हज़ार के ऊपर लोग आने की उम्मीद है, रजिस्ट्रेशन होने की उम्मीद है, और इसमें ज़्यादातर है ना फ़ायदा उठा सकते हैं लोग, जितने भी हैं जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, SLC, PUC हैं, डिप्लोमाज हैं, ITI हैं, या टोटली एकदम गरीब तबके के हैं, उनके लिए भी है ना 200-250 वॉलंटियर्स हैं जो आपकी खिदमत के लिए यहाँ पे है ना भरपूर आपको सपोर्ट देने के लिए हैं, वो हर तरह से आपको गाइड करेंगे। ये जो है शहर बेंगलोर में एक मशहूर और मारूफ इदारा है, सैदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन। यहाँ पे बच्चों की दीनी तालीम होती है और कौम के लड़के लड़कियों के लिए टेलरिंग, कंप्यूटर क्लासेस वगैरह चलाते हैं। इसके साथ साथ हमारे चेयरमैन साहब जैसा कहा है कि हमने देखा कि ये जो है रिश्ते तय पाना हमारे कौम के लड़के लड़कियों के लिए बहुत दुश्वारी हो गई है, इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? इसकी तहकीक करते हुए देखते देखते हमने शुरू किया कि रूबरू करना चाहिए, रिश्ते तय करने का एक इज्तमाही प्रोग्राम करना चाहिए। तो हमने 5 साल पहले प्रोग्राम शुरू किया, माशाल्लाह बहुत कामयाब रहा, इसी तरह हर साल करते रहे। अभी हम इस बार जो है मरकज़ी सतह पर सारे हिंदुस्तान में, हालांकि अमेरिका तक, ऑस्ट्रेलिया तक एक बात पहुंच गई है कि हम जो है इंटरनेशनल लेवल में इस बार इस रूबरू प्रोग्राम को करने जा रहे हैं, ताकि सारे दुनिया में हमारे जो कौम के जो भाई बहनों के रिश्ते तय होने में जो भी मुश्किल आ रहे हैं, इसको दूर करने के लिए सैदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन ने ये बेड़ा उठाया है। अल्लाह के फजल करम से सारे हिंदुस्तान में, ख़ासकर राजस्थान के से लोग फ़ोन कर रहे हैं, कलकत्ता से फ़ोन कर रहे हैं, बल्लारी से फ़ोन कर रहे हैं। इस रूबरू के बाद इंशाल्लाह इन शहरों में भी रूबरू होगा, इंशाल्लाह कामयाब रहेगा। ये रूबरू जो है 3 दिन रहेगा, जुमे के दिन जुमे की नमाज़ के बाद शुरू होगा, हफ्ते के दिन रहेगा, इतवार के दिन रहेगा। मैं तमाम से अपील करूंगा कि ऐसा मौका आपको फिर नहीं मिलेगा। मैं समझता हूं 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा ये मैं इस प्रोग्राम के लिए, इसलिए मैं वालिदैन से, खुसूसन जो सरपरस्त हैं वालिदैन ही, इनसे ख़ास गुजारिश करूंगा कि इस सुनहरे मौके से आप फ़ायदा उठाएँ, फिर नहीं मिलेगा। 3 दिन रहेगा ये, आप तीन दिन भी आकर यहाँ रहेंगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चों के रिश्ते तय हो जाएंगे। ये सैदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन से बिल्कुल मुफ्त है, किसी फीस की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मौका नहीं मिलेगा, और अल्लाह के फजल से आप तमाम आएंगे, ये जलसा कामयाब रहे।